सो गाइस स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जिन स्मार्टफोन्स में आता है उनमें से लिस्ट में नाम पहले आता है रियलमी GT6 जो 40,000 का मिल जाता है, देन शाओमी 14CV वो भी 39,000 तक मिलता है, देन एज 50 अल्ट्रा जो 55,000 में मिलता है, एंड ऑनर 200 प्रो जो आपको 47,000-48,000 तक मिल जाता है ऑफर्स वगैरह लगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ये ही सेम चिप और तगड़ी स्पेक्स के साथ आपको मिलेगा 27,000 या 26,000 में तो आपको शौक लगा ना। बट आपको आज इसी फोन के बारे में फुल रिव्यू देने वाले हैं। ये है पोको की तरफ से आने वाला F6 एंड पोको जाने जाते हैं भाई साहब अपने एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए। पोको F1 आया था ना उसके बाद एक तगड़ा कॉम्पिटिटर मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ पोको F6 है जो सालों साल चलने वाला है एंड बहुत सारी चीजें इस फोन के बारे में सब बताएंगे A to Z। धक्का मुक्की कोई नहीं कर बो लड़बो सब्सक्राइब कर बो। सो प्राइसिंग जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 8GB रैम 256GB से स्टार्ट होता है वो आपको 26,000 तक मिल जाएगा ऑफर्स वगैरह लगा के। बट एक फोन होता है ना जिसमें प्राइस टू स्पेक रेशियो काफी तगड़ा रहता है ये फोन उनमें से है। सबसे पहली चीज बिल्ड क्वालिटी देखो यहाँ पर टॉप नॉच प्रीमियम तो नहीं मिलती है क्योंकि बैक में आपको प्लास्टिक मिलता है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक मिल जाते हैं, बट लुक आपको ओवरऑल काफी एस्थेटिक मिल जाता है। हमारे पास ये टाइटेनियम कलर है, इसमें साइड हल्के से कर्वी है और फ्लैट फ्रेम्स को भी मेंटेन कर रहा है तो फ्लैट फ्रेम्स भी रहेंगे साइड्स भी कर्वी रहेगी तो काइंड ऑफ एक अच्छा ग्रिप मिल जाएगा आपको फोन को पकड़ते टाइम। लेकिन फोन इतना छोटा नहीं है कि आप एक हाथ से चला सके, आपको दो हाथ से ही फोन को चलाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कैमरा के ये कटआउट से ये थोड़े बड़े बड़े आपको देखने को मिल जाते हैं, हल्के से बाहर भी निकले हैं, बट डिजाइन के हिसाब से लुक सही जा रहा है इसका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं ये फोन जो है ड्यूरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भाई साहब इसको ऐसे ब्रेंड कर लो या कैसे भी कर लो तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से 3-4 साल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अंटिल अनलेस आप जबरदस्ती फोर्स लगा के तोड़ते, और वो कोई करेगा नहीं क्योंकि फोन हमारा ही जानू मानू सोना है, इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसके साथ अच्छा केस भी दिया इन्होंने एंड फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी है, स्टिल बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं होता, जस्ट 182 ग्राम इसका वेट है। बाकी फोन जो है गेमर्स को टारगेट करता है लेकिन गेमर्स को एक और गड्ढा भी टारगेट करता है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है हेडफोन जैक, जो दूसरा समझते हैं उनको अलग सजाया होगा तो एक हेडफोन जैक का पोर्ट हो सकता था, लेकिन उसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं जो इनफ लाउड है कि आपको आराम से कंटेंट देखने में मजा आएगा। बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व की फुल वॉल्यूम में थोड़ा सा हल्का सा बैक में यहाँ पर वाइब्रेशन फील होता है अगर आप विदाउट केस यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, कोई भी SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं एंड आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो एक्यूरेटली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है, लेकिन इसका प्लेसमेंट हल्का सा ऊपर हो सकता था। बाकी इसके अलावा IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है तो हल्के फुल्के पानी के छींटे छह लेगा, लेकिन स्टिल मैं एडवाइस करता हूं पानी से जितना हो सके अपने फोन को बचाइए क्योंकि जब सर्विस सेंटर वालों के पास जाओगे वो फोन लेके वो बोलेगा स्टार्ट करो तो बच के रहिए। लेकिन इसके अलावा यहां पर हैप्टिक्स आपको तगड़े मिल जाते हैं, टक टक वाले मिलते हैं, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा है, जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं या टॉगल्स पे क्लिक करके रखते हैं या आप फिंगरप्रिंट सेंसर में प्रेस करते हैं या फोन को लॉक करते हैं तब वो अच्छा इंप्लीमेंटेशन दिखता है UI में। सो ओवरऑल बिल्ड में मुझे दिक्कत नहीं आई, मेरे को ग्लास हो या प्लास्टिक हो दोनों से काम चल जाता है। ग्लास में थोड़ा सा ये है कि प्रीमियमनेस दिखती है बट ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसकी वजह से हम फोन ना लें। और एक और मुद्दा जिसकी वजह से फोन हम ले सकते हैं वो है डिस्प्ले। भाई साहब बड़ी AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है और फ्लैट डिस्प्ले है, गेमर्स को टारगेट करता है तो ऑफ कोर्स यहां पर फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, HDR10+ का भी सपोर्ट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है फ्रंट में। स्टिल मैं बोलूंगा एक अच्छा टेंपर्ड ग्लास लगवा लेना, तो जितना मैंने अभी तक बिना टेंपर्ड ग्लास यूज किया कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए थैंकफुल। एंड ओवरऑल कलर प्रोडक्शन में भी 100% DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है तो जितना हमने कंटेंट देखा कलर्स अच्छे आ जाते हैं, आपको यहाँ पर डीप ब्लैक्स तगड़े मिल जाते हैं, व्यूइंग एंगल्स तगड़े मिल जाते हैं जो AMOLED में मिलते हैं, बट यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है तो एक्स्ट्रा शार्पनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा ना डिस्प्ले का बेजल्स भाई साहब बहुत ही प्यारे बिल्कुल थिन बेजल्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ 2400 nits की पीक ब्राइटनेस चल जाती है लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड आउटडोर में अगर आप यूज करते हो 1200 nits तक जाती है एंड आउटडोर में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इस फोन में। साथ ही साथ यूट्यूब में 4K HDR60fps वीडियो आराम से चल जाती है, Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट का सपोर्ट मिलता है, नेटफ्लिक्स में भी HDR का सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आई प्रोटेक्शन में TUV Rinald आपको यहाँ पर फ्लिकर फ्री डिस्प्ले मिल जाती है तो आपकी आंखें भी बचा के रखेगी, साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट और इंस्टेंटेनियस टच सैम्पलिंग रेट 2160Hz का मिल जाता है और इसका टच भी काफी रिस्पॉन्सिव है, ऑल द टाइम वर्क करता है एंड इनफैक्ट आपको हर ऐप में 120Hz का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। बट एक शिकायत है डिस्प्ले मेरी कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था कि हम 1.5K रेजोल्यूशन और फुल HD रेजोल्यूशन में स्विच कर सकते हैं तो हमारी बैटरी थोड़ी सी यहाँ पर और
और बच जाता, बाकी सब उसके अलावा डिस्प्ले में तगड़ी मिल जाती। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सारे 5G बैंड मिल जाते हैं, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6, इनफैक्ट NFC भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड हमने जितना यहाँ पर टेस्ट किया 5G की स्पीड भी सुपर से ऊपर आ रही थी, डुअल 5G को भी ये सपोर्ट करता है, तो कहीं पे भी मुझे 5G में दिक्कत नहीं आई। साथ ही साथ 4G प्लस और 5G प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा था और Vivo 5G भी यहाँ पर शो हो रहा था, लेकिन कॉल करते टाइम ये Vivo LTE पे ही आ जाता है, तो कॉलिंग के टाइम पे 5G की स्पीड का मजा आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर में एक दिक्कत है कि डेडिकेटेड नहीं मिला। ये छोटा सेंसर है, दे सकते थे, कभी कभार दिक्कत आती है, अदरवाइज कॉलिंग के टाइम पे कान के पास लगाया तो स्क्रीन ब्लैक नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग आप चुपके से कर सकते हैं क्योंकि डिफॉल्ट MIUI डायलर मिल जाता है, तो ओवरऑल फोन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। एक और चीज फोन को फ्यूचर प्रूफ बनाती है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको HyperOS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, और अपडेट में कितना रेगुलर है, अभी जो है रिसेंटली हमें जुलाई का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच मिला है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अपडेट पे अब ये लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज है। लेकिन एक चीज है, अगर आप फोन फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आपको ना स्टार्टिंग में ये बेसिक सेटिंग्स को ऑफ कर देना, अदरवाइज आपको अननेसेसरी एड्स एंड रिकमेंडेशंस मिलती रहेंगी। इसके अलावा एक और चीज की दिक्कत है, बहुत सारे ब्लोटवेयर स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि इस रेंज में इन लोग को इतने ब्लोटवेयर्स देने चाहिए। ऑल्दो आप सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन गूगल एप्स को आप अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं कर सकते हो उसमें, तो ये ब्लोटवेयर वाली समस्या है जो थोड़ा सा इन लोग को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा फीचर रिच UI है, सारे तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक मिल जाएगा, डुअल ऐप मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते हो, ये कुछ टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए ही ऑन रहता है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीडोमीटर भी मिलता है, एंड कुछ AI के फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे फोटो का कटआउट आप निकाल सकते हैं, देन फोटो में से कुछ इरेज करना हो उसको इरेज कर सकते हैं, एंड किसी भी फोटो में बोके ऐड करना हो आपको ये ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसमें वेरियस पैटर्न्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी फोटो से टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देन किसी फोटो में आपको स्काई ऐड करना हो अलग अलग टाइप का वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, एंड पोर्ट्रेट्स को HD पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं जिसकी क्वालिटी कम आई है, उसमें थोड़ा सा शार्पनेस वगैरह डाल सकते हैं। एंड ये चीज हमने देखा है कि आज के टाइम पे बहुत सारे फोन जो है ना AI को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कितना ज्यादा AI का यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कमेंट सेक्शन तक गए हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी है, और सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, हम नहीं जानते, लेकिन दब जाना चाहिए, कोई गद्दारी नहीं कर बे। इसके अलावा कुछ और भी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे आप कॉन्टेक्टलेस जेस्चर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं तो इसका यूज करता नहीं हूँ, जब कॉल आती है हाथ से ही उठा लेते हैं, कोई यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार आप बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हो तो तब आप इसका यूज ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्टिव विजुअल परसेप्शन का ऑप्शन मिलता है जो आपकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, मतलब जब तक आप फोन को देख रहे हो वो ऑफ नहीं होगा या लॉक नहीं होगा। बाकी डिस्प्ले में आपको सनलाइट मोड भी मिल जाता है, एंड यहाँ पर वीडियो जब भी आप कोई प्ले करोगे उसमें आपको एक अपस्केल टू 2K वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आपके वीडियो को बहुत ज्यादा अपस्केल तो नहीं करेगा, हल्के से शार्पनेस ऐड कर देता है। बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचना है कि बिल्कुल बिल्कुल 3GP वाली वीडियो को 4K बना देगा। 3GP फॉर्मेट कितने लोगों ने यूज किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पुरानी मेमोरीज याद करेंगे आज। बाकी ओवरऑल UI में आपको एनिमेशन काफी सुपर स्मूथ देखने मिल जाते हैं, चाहे आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, आपके बीच में स्विच करते हैं, काफी मुलायम मखमल जैसे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी मेजर बग मैंने यहाँ पर फेस नहीं किया UI में, हल्के से हीटिंग के इश्यूज हैं, बट वो बियरेबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फोन को लावा जैसा गर्म बना। और लावा जैसा गर्म बनाने वाला यहाँ पर जो पदार्थ आता है वो है इसका प्रोसेसर। भाई साहब स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 है ये, क्योंकि सेम रेंज में कुछ ऐसे फोन भी आते हैं जिसमें 7+ Gen 3 मिलता है। तो देखो ऑन पेपर बात करें तो यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 डेफिनेटली बेटर आता है, इसके बेटर कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और GPU की फ्रीक्वेंसी वगैरह भी यहाँ पर ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो कि दोनों की नेक टू नेक आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर इंट्रोड्यूस कोर्स की बात करें तो 15 लाख के अप्रॉक्स इंट्रोड्यूस कोर्स मिल जाते हैं, 2 लाख अप्रॉक्स के आपको रीड राइट स्पीड मिल जाती है, कोई भी CPU में थ्रॉटलिंग नहीं होती, गीकबेंच के स्कोर्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, एंड जितना भी हमने फोन को यूज किया ना डेफिनेटली यहां पर जो है परफॉर्मेंस काफी मक्खन जैसी आ जाती है, ऑल थैंक्स टू इसमें आने वाला UFS 4.0। बहुत सारे फोन ऐसे भी जो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 यूज करके भी उसमें UFS 3.1 दे, क्या मतलब भाई साहब, फरारी का इंजन लगा के आपने मारुति ऑल्टियो के टायर लगा दी। लेकिन यहां पर आपको रैम टाइप भी LPDDR5X मिल जाती है, तो ऐप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं बहुत ही सीमलेसली और बहुत ही फास्टली यहां पर हर ऐप खुल जाता है, ऐप के बीच में स्विच करेंगे या बहुत ज्यादा ऐप को जल्दी
जल्दी जल्दी खोल के देखेंगे तो हर चीज मक्खन जैसे हो जाती है। इनफैक्ट रैम मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड हमने यहाँ पर फिर गेमिंग स्टार्ट करी तो भाई साहब स्टार्टिंग में 90fps का सपोर्ट नहीं था, बट अभी जो है स्मूथ एक्सट्रीम प्लस 90fps का सपोर्ट मिल जाता है और HDR में एक्सट्रीम का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो 90fps हमने जितनी गेमिंग करी ना भाई साहब, बोल सकते हो कि 80-90fps के बीच में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो मैं बोलूंगा एक बहुत तगड़ा गेम प्ले है जिस रेंज में आ रहा है ये फोन उस हिसाब से, क्योंकि काफी सारे फोन ना 30-35-40 हज़ार में भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। एंड जायरोस्कोप भी आपको ऑन पॉइंट एक्यूरेट मिल जाता है, तो ओवरऑल गेमिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे गेमिंग के टाइम पे हीटिंग होती है, देखो भाई थोड़ी सी तो हीटिंग हो जाती है। आप ऑफकोर्स गेमिंग कर रही है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे फोन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। देखो हाई इंटेंसिव टास्क चल रहे होते हैं, हल्की सी हीटिंग हो जाती है, बट उसका असर परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलता। परफॉर्मेंस टच से मस नहीं होते भाई साहब, सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब यहाँ पर एक और सवाल लोगों के मन में आएगा, पोको मदरबोर्ड डेड, ये इशू क्या है, कब तक चलेगा, क्यों चलेगा? तो एक ही चीज बोलूंगा, देखो पुराने डिवाइसेस पोको X3 में ये इशू था, उस चीज को पोको वालों ने खुद एड्रेस किया और बोला क्वालिटी का इशू था, तब था प्रॉब्लम। बट अभी जो है आप बोल सकते हो कि हाँ पोको ट्रस्ट कर सकते हो आप, इसको आराम से 4-5 साल चलेगा। अगर इनकेस कोई इशू आता है तो डेफिनेटली हम ऐसा मुद्दा उठाएंगे ट्विटर पे, तो मेक श्योर करना सोशल इंस्टाग्राम वगैरह पे या ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर लेना, वहां पर भी रेगुलरली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और गेमिंग के साथ साथ बैटरी बैकअप कितना तगड़ा मिलता है, देखो देने के लिए 5000mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर हमने जितना यूज किया 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। अगर आप कंटिन्यूअसली गेमिंग कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7-8 घंटे, वो नहीं मिलेगा, आप 4-5 घंटे के बीच में कंटिन्यूअस गेमिंग इसमें कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप डिसेंट है, क्योंकि जिस रेंज में आ रहा है ऑलमोस्ट सभी में ऐसा ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा। बाकी आइडल ड्रेन का इशू मैंने 5G में कोई फेस नहीं किया, जस्ट 2-3% ड्रॉप होता है, लेकिन 90W की चार्जिंग मिलती है जो अप्रॉक्स 40 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। और कैमरा के बारे में बात करें तो क्योंकि कैमरा जो है थोड़ा सा वीक पॉइंट बन जाता है इस फोन का, देने के लिए सेंसर्स काफी तगड़े आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फ्रंट में भी आपको 20MP का ओमनी विजन का सेंसर मिल जाता है। सो अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में काफी क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन आपको देखने को मिल जाता है, हल्की सी व्हाइटिश रहती है, लेकिन ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप रेडी फोटोज मिलती है। बट ओवरऑल मुझे डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर सही लगी, HDR को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, एंड हाँ पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक कैमरा से बात करें तो यहाँ पर भी फोटोज अच्छी आ जाती है, स्किन टोन यहाँ पर हल्की ज्यादा व्हाइटिश रहती है, सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटो मिलेंगी, नेचुरल तो नहीं बोलूंगा इनको, लेकिन ओवरऑल डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। एंड मेन सेंसर में आपको 2x तक जूम का ऑप्शन मिल जाता है, एंड 2x में मुझे कहीं ना कहीं डिटेलिंग थोड़ी सी कम लगी, और बेटर हो सकती थी डिटेलिंग, बट पोर्ट्रेट मोड में कोई भी जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। मेन कैमरा से ये HDR को बैलेंस कर लेता है 90% ऑफ द टाइम। जैसे ये फोटो में हमारे पीछे में बैकग्राउंड कर्टेन्स हैं, इसने काफी अच्छे से HDR को बैलेंस किया, यहां पर मेरे फेस पे भी अच्छी लाइट है, लेकिन सेम सिनेरियो अगर मैंने यहां पर इस सिचुएशन में देखोगे तो यहां पर बैकग्राउंड में सेम हल्का सा पार्ट है जहां पर हमें डायरेक्टली पीछे से लाइट आ रही है, वहां पर ये अच्छे से HDR को बैलेंस नहीं कर पाया। तो 5 में से 3 फोटो ये कर लेगा, 2 में शायद आपको ऊपर नीचे रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, आपको कैसी लगी फोटोज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अल्ट्रा वाइड से भी ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं। एंड ये कुछ नाइट सैंपल्स हैं जो ऑलमोस्ट डार्क सिनेरियो में लिए हैं, इसने लाइट को अच्छे से यहाँ पर भी कैप्चर किया है। बाकी वीडियो में बैक से आप 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेबिलाइजेशन मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे जर्क आपको देखने को मिलेंगे वीडियोज में। फ्रंट से भी Full HD 60fps का सपोर्ट मिलता है, ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। सो ओवरऑल कैमरा को समअप करूं ना तो फ्रंट कैमरा अच्छा है, बैक में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन गेमिंग के हिसाब से फोन अगर देखें तो ठीक ठाक कैमरा यहाँ पर हमें मिल जाता है। सो दुनिया भर की बातें हो गई, कमिंग टू द कंक्लूजन, देखो मैं को इस फोन को यूज करते काफी टाइम हो गया, मेरे को ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई, जैसे डिस्प्ले पसंद आई, ओवरऑल लुक पसंद आया, एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस भी तगड़ी लगी। जस्ट 2 पॉइंट्स ऐसे हैं ना जहां पर थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ और बेटर हो सकता था, वो है कैमरा वाला डिपार्टमेंट और बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट। लेकिन फिर कंसिडरिंग कि इसका प्राइस 26,000 है, ऑफर्स वगैरह लगा के अगर 25,000 तक मिलता है तो भाई साहब ये काफी इनसेन डील बन जाती है। तो डेफिनेटली अगर आपका मेन यूसेज गेमिंग है, परफॉर्मेंस चाहिए टॉप नॉच, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी थर्डरी फोर्थरी फिफ्थरी मतलब समझ गए ना आप, तो वो सारी चीजें हैं, देन आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। पूरी पूरी तरह से ये फोन को हम रशिया लेके जाएंगे, फिर उंद्रोस त्रेस फुल मसाज। सो बाकी हम मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। अब हम चले रशिया फोन के साथ, हमें भी तो